दोस्तों, Realme UI, Realme C2 डिवाइस को सभी लोगों को क्यों नहीं मिला है? बहुत से लोग हताश, निराश, परेशान हैं, मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, रीड कर लो इनको, क्योंकि ये परेशान है। बोलते हैं, भाई तू झूठ बोलता है, Realme UI का कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट Realme C2 डिवाइस को मिला ही नहीं है। कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? तो मैं आप उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिनको अभी भी Realme UI का अपडेट नहीं मिला है। सो दोस्तों, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिन वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो Realme UI है वो दो वर्जन में रिलीज़ हुआ है, यानी कि वहाँ से रिलीज़ आउट हुआ है। जो कि मैंने आपको बताया था, जो बीटा वर्जन में था, पहले उसका वर्जन था C.53 और फिर को स्टेबल किया गया था C.55 के साथ में। उसके अलावा एक और वीडियोस में बताया था मैंने कि एक और वर्जन रिलीज हुआ है Realme UI Realme C2 डिवाइस के लिए, जिसका वर्जन है C.41। और ये अपडेट सभी को मिलेगा, ये उन लोगों को अपडेट मिलेगा जो C41 वाला अपडेट है वो Realme में, जिनके डिवाइस के अंदर अभी भी Realme UI नहीं मिला है उनको ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और उनके में करेंटली वर्जन जो अभी होगा वो होगा A.33 वाला, यानी कि A.33 वाला अपडेट है, उन लोगों को ये अपडेट मिलेगा। बट इसका कोई टाइम मैं नहीं बता दे सकता हूँ, क्योंकि अभी बीटा फॉर्म में है। जैसे ही बीटा फॉर्म इसका ख़त्म होगा, स्टेबलाइज किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को एक समान मिल जाएगा। जैसे कि C.55 वाला स्टेबल करने के बाद वो सभी को मिल चुका है। जिन लोगों को पहले बीटा वर्जन मिला था उनको सभी को स्टेबल मिल गया है, और जिन लोगों को बीटा नहीं मिल पाया था उनको भी डायरेक्टली स्टेबलाइज मिल गया है। ये कुछ अलग अलग प्रकार से वर्क कर रहे थे Realme C2 डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर अपडेट थे वो दोनों को बांट दिया गया है। बट पता नहीं है, Realme C2 डिवाइस के ही साथ में ऐसा हुआ है कि एक ही चीज़ दो वर्जन में डिवाइड कर दी गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा जो डिवाइस है, आपका जो Realme C2, बहुत छोटा डिवाइस है, ये 232 में और 332 में और 216 में अलग अलग प्रकार से था। इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ये इसीलिए अलग अलग मिल रहा है, यानी कि ये रैम और रोम पर डिपेंड करता है, इस वजह से इसको अलग अलग दिया जा रहा है। और ये मॉडल पर भी डिपेंड करता है कि ये दो प्रकार से मॉडल आए थे, एक 2000 जो भी आपका 216 वाला अलग था और जो 332 वाला तो वो अलग था। इसमें टाइमिंग का भी फर्क था, यानी कि इनमें जो समय अंतराल होता है वो शायद 6 महीने का अंतराल था। 6 महीने पहले उसको लॉन्च किया गया था और थोड़े बहुत बिछने के बाद उसको दूसरा भी लॉन्च कर दिया गया था। बट नाम उनके समान थे, उनके अंदर बस रैम रोम का फ़र्क था। इस वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट में प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है। लेकिन यह समस्या आपकी एक लंबे समय तक नहीं रहने वाली है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो यार, आपको ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहो, चिल करो, सभी को अपडेट मिलेगा, बट सही टाइम का इंतज़ार करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आप राइट टाइम का इंतजार करें और अपने फ़ोन के अंदर चेक भी करते रहें जा करके सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन में कि आपको अपडेट मिल तो नहीं गया है। अगर मिल गया है तब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, अगर आप लोग चेक नहीं करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा आपको अपडेट मिल चुका है या नहीं मिल गया। तो अभी डेटा को आप ऑन करके एक बार जा करके सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट में चेक कर लो, बीटा वर्जन में मिला है तो बीटा वर्जन को अपडेट कर लो, मिल जाएगा। बट मैनुअली अपडेट नहीं करना है आपको अपने फ़ोन को, अगर मैनुअली अपडेट करोगे आपका फ़ोन डेड हो सकता है, उसके बाद वो कभी भी सही नहीं होगा। या डेड नहीं होता है तो आपको कोई भी OTA अपडेट आगे नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी प्राइवेसी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें अपने फ़ोन को साथ ऐसा नहीं करना है, आपको OTA के थ्रू अपडेट मिलेगा, तभी आप फ़ोन को अपडेट करेंगे। तो Realme UI Android 10 है, वो कलर वॉस 10 के साथ में आता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वहाँ पर कलर OS कौन सा रहने वाला होता है, तो वहाँ पर कलर OS 7 देखने के लिए मिलता है हमें और Android 10 मिलता है वहाँ, अच्छे से वर्क करता है सब स्मूथली। बट वहाँ हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर उसका जो स्टेबल फॉर्म में मिलना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी, कमेंट आ रही थी, मैं उन लोगों की बता दूं जो बैटरी प्रॉब्लम बता रहे थे कि बैटरी चार्ज होना कम हो गया, स्पीड कम हो गया। सो आपको क्या करना है कि आपको अपनी अपडेट को स्टेबल अपडेट में डाउनलोड कर लेने हैं, वहाँ चेक कर लेने हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट में, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है आपके फ़ोन का स्टेबल वाला, सो उसको स्टेबल कर लेना, आपकी चार्जिंग सही हो जाएगी।
ये बीटा वर्जन में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, चार्जिंग का इशू होता रहता है, कभी चार्ज फोन होता है कभी नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। सो स्टेबल का हमें इंतजार करना है, उसको चेक करके अगर स्टेबल अपडेट आता है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये एक समस्या थी। और कुछ लोगों की समस्याएं थी कि उनका फ़ोन हैंग हो रहा है, तो बीटा वर्जन में दोस्त हैंग होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीटा वर्जन में होता है मतलब कि वो टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हैंग लैक हो सकता है, तो इसके लिए आपको अपना जो रैम है और रोम है थोड़ा खाली करके रखना है। करीब 3 GB आप अपना रोम खाली करके रख लें, यानी कि इंटरनल स्टोर 3 GB खाली करके रखें, उसके अलावा रैम को भी थोड़ा खाली रखें। अगर 2 GB रैम है तो 1 GB यूज़ कर लो, 1 GB तो खाली रखना ही आपको। अगर 3 GB रैम है आपका तब कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 GB भी यूज़ करोगे और 1.5 GB खाली रखोगे चलेगा, ठीक है। सो रैम रोम का आपको ख्याल रखना है हैंगिंग के लिए, ठीक है। ज़्यादा एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करना है, समझती हो ना, रिसेंटली एप्लीकेशंस आती हैं आपको उसको क्लियर करके रखना है, वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रन नहीं कराना है। अगर ऐसा करोगे आप तो आपका फ़ोन डेफिनेटली हैंग होगा। एंड उसके अलावा अगर कोई समस्या है आपको और कोई समस्या प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करके मुझे यार ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा। बट सॉफ्टवेयर अपडेट के रिगार्डिंग दोस्तों यार बहुत परेशान करते हो आप लोग, बोलते हो कि आप लोग कि भाई तू बोलता है सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा आएगा और अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिला है, हम कुछ छुट्टियाँ बना रहा है, ऐसा कुछ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण यही है, अप्रैल मंथ का बोला था मैंने, अप्रैल के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। अगर अप्रैल के लास्ट तक आपको और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है तो उसका वर्जन होगा आपका 0.55, चाहे वो ट्रायल वर्जन में मिले आपको चाहे वो स्टेबल वर्जन में मिले, पर उसका वर्जन होगा आपका 0.55। और 8.33 वाला जो लोग यूज़ कर रहे हैं अभी करेंटली में वर्जन, उनको जो सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा उसका वर्जन होगा 0.41, यानी कि 0.41 वाला उनको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। रियलमी UI पर वेस्ट होगा, कलर OS 7, एंड्रॉयड 10 मिलेगा, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से वो मिलेगा और वहाँ पे उसको आपको अगर बीटा वर्जन मिलता है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, यूज़ करें। जस्ट उसके 1-2 दिन बाद आपको उसे स्टेबल फॉर्म में अभी मिल जाता है, नॉर्मल है, बेसिक है। और स्टेबल फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करके आप अच्छे से यूज़ करें, आपका फ़ोन हैंग लैक होना बंद हो जाएगा, कोई भी समस्या उसके अंदर नहीं रहने वाली है। और कुछ लोगों के कमेंट थे कि रियलमी UI 2.0 रियलमी C2 डिवाइस को मिलेगा, तो मैं बता दूंगा आपको रियलमी UI 2.0 एक बहुत बड़ा अपडेट है। सो रियलमी C2 डिवाइस के अंदर वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पर रियलमी UI अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो कहाँ से करेगा। सो वो बीटा टेस्टिंग में अभी नहीं देंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं देंगे रियलमी UI 2.0 रियलमी C2 डिवाइस को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा डिवाइस बहुत पुराना है और ये छोटा भी है, इसका रैम रोम भी बहुत कम है। और एक विशेष बात यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक किया करो, कम से कम यार 100 लाइक तो वीडियो पर होना चाहिए यार, 700-800 हज़ार व्यूज आता है बट लाइक नहीं आता है। सो आपको इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक तो करना है, ठीक, ये तो बनता है, 50 लाइक फेंक के जाना है यहाँ पर। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे वीडियो को, वीडियो ज़्यादा लोगों के पास सजेस्टेड में जाएगी। सो फटाफट से आपको वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसकी बगल में जो बेल का आइकन आ रहा है उसके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले वह पहुंच जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सब कुछ। सो आपको ये सबको फॉलो कर लेना है। सो मिलते हैं फर्दर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।